ओ भाई देखो कितना पानी निकल रहा है बाइक के इंजन से। हाँ हेलो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर फ्रेंड रोहित। वेलकम इन टू द चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और आशा करते कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा सिक्किम सीरीज देखा होगा तो आपको मालूम ही होगा कि जब भी मैं गुरुदोंगमार से लाचेन की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उसके चलते मेरा बाइक ख़राब हो गया एंड वो स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने मेरा बाइक को लाचेन से, जो कि स्टार्ट नहीं ले रहा था, अपने घर तक ले आया और कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस और कैसे कैसे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, क्योंकि आपका सपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपने अभी तक मेरा सिक्किम सीरीज़ नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद पूरा सिक्किम सीरीज़ देख लेना गाइस, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को सभी वीडियो देखने में। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ आपको बुरा लगा, ताकि हम लोग और भी मेहनत करके बेटर कर सके और आपको और भी अच्छी तरीके से एंटरटेन कर सके। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, सिट बैक एंजॉय द वीडियो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर फ्रेंड रोहित, वेलकम टू द चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। पर मैं एकदम भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि कल गुरुदोंगमार से लौटने के वक्त मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट यानी मैं एक बॉर्डर क्रॉसिंग में गिर गया और मेरे बाइक जो है उसके एयर फिल्टर के अंदर पानी चला गया, इसलिए वो स्टार्ट नहीं ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो वो यहीं पर खड़ा है, एक यहाँ के रेसिडेंट के घर के सामने हम लोग खड़ा करके चले गए थे और अभी आए हैं लेने के लिए। देखते हैं अगर स्टार्ट होता है तो ठीक है। अभी हम होटल जाएंगे जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा चेक करेंगे। अगर स्टार्ट हो जाता है ठीक है, और अगर स्टार्ट नहीं होता तो हमको यहाँ से गाड़ी को टो करके घर तक ले जाना पड़ेगा। तो जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ वो सभी चीज़ें शेयर करूँगी। सो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है और यहाँ पर लो बैटरी दिखा रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बाइक अभी नॉर्मली स्टार्ट होगा। शायद और कुछ मेथड या प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा और शायद बाइक को डॉज करके हमारे होटल तक 15 किलोमीटर्स ले जाना होगा। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। जो कुछ भी हम लोग करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी तक तो हम लोग डॉच करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग 15 किलोमीटर्स, जो कि यहाँ से हमारा होटल का डिस्टेंस है, वहीं तक हमारा बाइक को डॉच करके ले जा पाएंगे। क्योंकि अगर प्लेन लैंड होता तो शायद पॉसिबल होता, पर यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते ही हो रास्ता बहुत ही स्टीप है, बहुत ही अप क्लाइंब और डाउन क्लाइंब है। वहाँ पर टॉर्च करके बाइक को 15 किलोमीटर्स तक ले जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो शायद हमें और किसी मेथड या प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम लोग बाइक को सही सलामत होटल तक ले जाए और घर तक ले जाए। मैं हमारा बाइक ख़राब हो गया था कल, बैटरी बैठ गया, लो बैटरी शो कर रहा है। कल एक वाटर क्रॉसिंग था, वहाँ पर गिर गया। हाँ, वाटर बैटरी लो बैटरी दिखा रहा है।
बैटरी की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पुश कर देना, पुश कर दीजिए तो। सो यहाँ पर एक दूसरे बाइकर मिले और वो हमारा हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, वो बाइक पे बैठे हुए हैं और हम लोग ज़ोर से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग स्टार्ट ले ले, पर बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है शायद। और एक ही तकरीब बचा हुआ है कि हम लोग कोई भी गाड़ी का हेल्प लें और वहाँ पर बाइक को लोड करके बाइक को नीचे ले जाए, और बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है गाइस। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर स्टार्ट लेना, शायद हमें किसी और एक गाड़ी का सपोर्ट लेना ही होगा। सो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, बाइक मेरा और एक गाड़ी के ऊपर लोड हो चुका है। एंड थैंक्स टू दिस गाइस जो कि यहाँ का रेसिडेंट है, बहुत ही हेल्प किया मेरा। और बाइक वैसे तो स्टार्ट नहीं लिया, और जैसे कि मैंने कहा था, एक दूसरे के व्हीकल का हेल्प लेना ही पड़ा। तो बाइक तो लोड हो चुका है, और ये भैया लोग अभी तो हम लोग लाचेन में हैं, तो लाचेन से मंगन तक ये भैया लोग मेरा बाइक को ड्रॉप कर देंगे और मंगन में और एक गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा। तो चलिए चलते हैं, और ऐसे मेरा बाइक ट्रिप एंड होगा वो तो सोचा नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है एक्सपीरियंस के तौर पे लेना होगा हम लोगों को। और चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या 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 चैलेंजेस अभी भी फेस करना बाकी है। सो भाई लोग, बाइक तो अपने तरीके से मंगन की तरफ निकल गया है, और मैं मेरे दोस्त शागनिक के बाइक के पीछे राइड जो है वो शुरू कर रहा हूँ घर जाने का। और ऐसा सोचा नहीं था कि किसी और बाइक के पीछे बैठ के जाना होगा, सोचा था कि अपने बाइक में आया हो और अपने बाइक में ही बैठे और राइड करते करते आप लोगों के साथ व्लॉग करते करते जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जो कि हम लोग सोचते वैसा होता तो नहीं, ये भी एक चैलेंज है, इसे भी फेस करना होगा और इसे भी इस चैलेंज को भी कॉन्कर करना होगा। तो चलिए चलते हैं, और जो कुछ भी आगे होता रहेगा, कैसे हम लोग बाइक को घर तक ले जाते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाते रहूँगा, क्योंकि ये सब भी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे सिचुएशन में आप लोग भी फंस जाओ तो ये सब भी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना गाइस। सो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मंगन में भी गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है, और थैंक्स टू गुड्डू भाई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम कि इतने जल्दी में, इतने कम समय के अंदर गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है, और ये गाड़ी मेरे बाइक को सिलीगुड़ी तक ले जाएगा, और मैं मेरे दोस्त शागनिक के बाइक के पीछे पिलियन राइडर बन के सिलीगुड़ी तक जाऊँगा। सो भाई लोग, मेरा बाइक तो सिलीगुड़ी तक डिलीवर हो चुका था लोकल ट्रांसपोर्टर या आपके लोकल व्हीकल के मदद से, पर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इस बाइक को सिलीगुड़ी से अपने घर तक कैसे ले जाऊं। और क्योंकि जिस दिन हम लोग सिलीगुड़ी में रुके हुए थे ना, उस दिन सिलीगुड़ी का KTM का सर्विस सेंटर ऑफ था, और एक दिन में ढेर सारा प्रॉब्लम जो मेरा बाइक में आ गया था वो तो सॉल्व होने वाला था नहीं। इसलिए मेरे भाई ने एक आइडिया दिया, क्यों ना मैं जो ट्रांसपोर्टर सर्विस होते हैं उसका मदद से मैं बाइक को सिलीगुड़ी से अपने घर तक ले आऊँ, और हमने वही किया। गति जो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उनके मदद से मेरे बाइक को घर ले आया। एंड पहले तो उन्होंने कहा था कि 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगा, पर आप तो सर ऐसे ट्रांसपोर्ट सर्विस को जानते ही हो, 5 दिन कहते और मेरे बाइक को घर आने में पूरा 15 दिन लगे, और फिर और भी कुछ दिन लगे मेरे बाइक को रिपेयर होने में। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 37 डेज, मेरा बाइक अभी ठीक हो गया था, और सर्विस सेंटर से फ़ोन आया कि आपका बाइक रिपेयर हो चुका है, आपका बाइक स्टार्ट हो चुका है, और आज आप आके आपके बाइक का डिलीवरी ले सकते हो। तो जब भी मैं रेडी होके मेरा बाइक का डिलीवरी लेने जाऊँ, तब तक आप एक काम करो, एक वीडियो देखो, इस वीडियो को देख कर ना आपको समझ आ जाएगा कि मेरे बाइक में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था। सो भाई लोग, हम लोग आ गए हैं MS बजाज और KTM नुहाटी के शोरूम में। यहीं पर ही मेरा बाइक है जो कि ख़राब हुआ था, और यहीं पर ही मैं रिपेयर करने के लिए दिया, तो बाइक पूरा रेडी है। तो चलिए चलते हैं और बाइक की डिलीवरी लेते हैं।
सो भाई लोग, ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हो, ये वीडियो क्लिप मुझे KTM के मैकेनिक ने भेजा था। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, वो लोग अभी मेरा बाइक का जो इंजन है वो खोल रहे हैं। और देखो भाई लोग, कितना पानी निकलेगा। अगर किसी बाइक में इतना पानी चला जाए तो क्या कोई बाइक स्टार्ट ले सकता है क्या? और आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि ये बाइक रिपेयर करने में कितना रुपये खर्च हुआ होगा। तो भाई लोग, आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ मोर देन 1 month मैं अपना बाइक चला रहा हूँ और बाइक पूरा नया जैसा हो गया है। पूरा इंजन बदल दिया है लोगों ने, और पूरा इंजन पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि इतना पानी, जो आप देखे ही होगे प्रीवियस वीडियो क्लिप में, इतना पानी चला गया था। और पूरा मोबिल तो पूरा पानी और मोबिल ऐड होके ना पूरा ख़राब हो गया था। इंजन का हर एक पार्ट ख़राब हो गया था और पूरा इंजन बदलना पड़ा। और अभी बाइक एकदम चकाचक नए जैसा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि नए बाइक में होता है ना, पहले 1000 किलोमीटर बहुत ही आहिस्ते चलाना होता है और आप लोग ज़्यादा RPM नहीं बढ़ा सकते, ज़्यादा रेस नहीं दे सकते। वही इंस्ट्रक्शन मुझे भी दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि इस बाइक को अभी नए बाइक जैसा ही ट्रीट करना होगा। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ KTM ड्यूक बाइक वर्शन 2 मेरे लिए, क्योंकि एक नया इंजन अगर नया होगा तो पूरा नया बाइक जैसा फील तो आ ही रहा है। तो ठीक है भाई लोग, एक अच्छा तो लग रहा है कि इतने दिनों के बाद अपने बाइक चला रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। तो चलिए घर चलते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात होगा। सो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है मेरे बाइक के रिपेयरिंग में कितना खर्चा आया होगा? गेस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी एक्सपेंसेस डिटेल में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और सिक्किम ट्रिप में पूरा क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ, कितने का पेट्रोल लगा, और मेरा ट्रैवल एजेंट का भी नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और मैं कौन सा रूट पकड़ रहा था वो भी शेयर करूंगा डिटेल में। और ट्रैवल पास के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना पड़ेगा, सभी कुछ मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत ना हो अगर आप लोग नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। और तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ दैट यू हैव गॉट। एडियोस अमिगोज।